गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मैम. वेरी गुड इवनिंग. ओके, तो आज कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? एनीवन हु हैज दिस फर्स्ट क्लास? गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. अच्छा, आप लोग पढ़ के आए हो? लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? यस मैम, बताओ. चलो, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर. कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर. कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर. ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन, राइट? और हमारे पास क्या था, हाउ मेनी अर्ग्स? आपके पास कितने आते हैं अर्ग्स इन 1 जूल? गुरकीरत सिंह. ओके, गुरकीरत सिंह इज न्यू इन आवर क्लास, राइट? ओके गुरकीरत, एक्चुअली हम कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है? अच्छा, आई रियली वांट कि अभी ना मैं आपको दोबारा से ये वाला डायमेंशन एनालिसिस सबको, इनफैक्ट एवरीवन, टू एवरीवन आई एम सेइंग, मैं इसकी दोबारा से एक रिवीजन दूंगी, सो दैट गुरकीरत के लिए भी गुड हो, ठीक है? और क्योंकि आप लोगों ने जो कन्वर्जन और जो 4 टाइप्स की हैं उसकी एक बार दोबारा से आप लोगों के पास रिवीजन हो जाए. और यहाँ पे हमारे पास एक दिन सिमरनजीत ने लास्ट क्लास में मुझे बोला था कि डायमेंशन एनालिसिस उनको भी दोबारा से देखना है, ठीक है? तो उनके लिए भी हो जाएगा, और जितने बच्चों को ऐसे थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कुछ है, तो उनके लिए गुड रिवीजन हो जाएगी. तो बिकॉज हम लोग 3rd टाइप कर रहे थे ना, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम हम यूज कर रहे थे, डायमेंशनल एनालिसिस का एक यूज कर रहे थे, है ना? तो हम 3rd टाइप पे पहुंच चुके हैं, उसकी टोटल 4 टाइप्स है. तो आज मैं 4th वाली टाइप को फिनिश करवा देती हूँ. इट इज न्यू टू एवरीवन, ठीक है? तो गुरकीरत, आपके लिए भी ये बिल्कुल न्यू होगी, तो आप बस एक बार देख लो कि हम एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं, फिर आई स्टार्ट ओवर अगेन, सो दैट कि इन लोगों का भी मतलब कुछ रह ना जाए, और आपके लिए भी अच्छा हो जाए कि आप एक बार थोड़ा, आपको ओवरव्यू सा हो जाएगा कि कर क्या रहे हैं, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे मेरे को पहले ही बता देना कि अगर स्पीड फास्ट हुई या नहीं हुई. देखो, लास्ट क्लास में हमने जो यूजेस किए थे, हमने 4 यूजेस कर लिए थे. फर्स्ट यूज था हमारे पास, क्या था फर्स्ट यूज, कि हमें चेक करना है कि जो आज तक आपको 10th क्लास में फॉर्मूलाज पढ़ाते रहे हैं, क्या वो करेक्ट थे या नहीं थे, ठीक है? तो सबसे पहले हमने 1st टाइप में वो चेक किया. 2nd टाइप में हमने क्या चेक किया, कि अगर आपको अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि अननोन क्वांटिटी कैसे आप उसमें से ढूंढ सकते हो, कि अगर आपके पास गिवन है तो ए बी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. और 3rd अभी हम लास्ट क्लास में करके हटे हैं, जिसमें हमने लिखा था कन्वर्जन ऑफ एक सिस्टम टू अनदर. अब एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, वो मैं बता देती हूँ. कहने का मतलब है कि आपको बचपन से ये बोल दिया था कि किलोज, 1 किलो मींस 1000, राइट? तो जैसे हमने बोला कि 5 किलोग्राम मस्ट बी इक्वल टू 5000 grams, ठीक है? तो ये कैसे आया, किसने रिकमेंड किया, क्या हुआ, तो वो वाली कन्वर्जन हमने आप लोगों ने देखा, वो हमने इस मेथड से पूरी लर्न की, ठीक है? आई होप ये वाला मेथड अब सबको क्लियर होगा कि कैसे न्यूटन और कैसे अर्ग्स जूल्स ये कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं. आप लोग को क्लियर है? यस मैम. है ना, आज हम लास्ट करने जा रहे हैं. अब इस वाले में क्या होगा हमारे पास, कि ना आपकी डेरिवेशन ऑफ दी फॉर्मूलाज होगी, ठीक है? मैं फॉर्मूलाज डिराइव करूंगी, ठीक है? अब फॉर्मूला डिराइव करने का मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको किसी ने बोल दिया कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, दैट इज 1/2 mv², ठीक है? अब काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv² फॉर्मूला तो बन गया, कोई एक इसकी डेरिवेशन होगी आपके पास कि हाँ ऐसे बना था, पर उन्होंने बोला है कि डायमेंशनल, जो डायमेंशन फॉर्मूलाज है, ठीक है, उनसे देखकर बताओ कि आपकी क्या ये फॉर्मूला आपका बन सकता है या नहीं बन सकता, ठीक है? इसका मतलब कि जितने भी आज तक आपने दुनिया में फॉर्मूलाज किए, F=ma, राइट, ये वाला Work=force×displacement, ठीक है, ये सारे जो फॉर्मूलाज है, क्या ये एक्चुअली में आप डायमेंशन फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो उस चीज को अभी हम देखने के लिए आगे चलते हैं, ठीक है? फॉर गुरकीरत हम डायमेंशन फॉर्मूला, मैं आपको एक बार वैसे भी बता देती हूँ, ये होता है MLT की फॉर्म में, हम 12th, 11th में ये फॉर्मूलाज करेंगे, जिसमें क्या होगा MLT की फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर,
एक फॉर्मूला लिखा होगा, ए बी सी होगी उनकी कोई पावर्स, ठीक है, एम का मतलब होता है मास, एल का मतलब क्या होता है लेंथ, एंड टी का मतलब क्या होता है टाइम. तो दुनिया के जितने भी फॉर्मूलाज है, फोर्स है, डिस्टेंस है वगैरह है, एरिया है, वॉल्यूम है, हम उन सबको लिखने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ एम एल टी. तो ऐसे फॉर्मूलाज को हम बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला. इज इट क्लियर? क्लियर है ये? यस मैम. ठीक है, चलो आज मैं आपको एक डेरिवेशन करके बताती हूँ, फिर हम उसको आगे फर्दर लेके चलते हैं. फोर्थ जो हमारे पास रह गया वो है डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूलाज. अब डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला वो देखेंगे हम कैसे होगा. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको उसी की तरह बिल्कुल जैसे मैंने आपको लास्ट में रिप्रेजेंट किया था कि मैं एक जनरल फॉर्म रिप्रेजेंट करती हूँ. ठीक है, अब एक बात बताओ जरा, जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो आपने देखा वो किस किस पे डिपेंड करता है? मास, लेंथ और टाइम पे, राइट? तो इसका मतलब कि अगर कोई भी फॉर्मूला बनाना है, कोई भी फॉर्मूला मेक करना है, तो इसका मतलब ऐसा जरूर होना चाहिए कि उस फॉर्मूला में तीन अननोन क्वांटिटीज ही होनी चाहिए. तो ये डायमेंशन फॉर्मूला का एक लिमिटेशन भी होगी कि अगर आपकी थ्री से ज्यादा अननोन क्वांटिटी आ गई वहां पे डायमेंशन फॉर्मूला इम्प्लीकेट नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज वो सिर्फ किन पे डिपेंड करता है? थ्री क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है. तो आप थ्री अननोन क्वांटिटीज की वजह से जो फॉर्मूलाज बनते हैं वही बना सकते हो. अगर गलती से चार पांच अननोन क्वांटिटीज आ जाती है तो आप कभी भी ये फॉर्मूला नहीं बना सकते. एंड मैं आपको बता दूं कि दिस डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी यूज इन फर्दर डेरिवेशन. जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे चलेंगे ये वाला मेथड आपको यूज होंगे. ठीक है, मतलब कि अगर कल को आपको कोई और तरीके से फॉर्मूला नहीं डिराइव करना आ रहा तो आप वहां पे लिख दो कि फ्रॉम द डेरिवेशन ऑफ फ्रॉम द डायमेंशन फॉर्मूला. ठीक है, तो फिर आप वहां से डिराइव कर दोगे. पर इतना यह जरूर याद रखना कि तीन ही अननोन क्वांटिटीज होनी चाहिए. ठीक है, अब फर्दर चलते हैं. अब देखते हैं, सबसे पहले सपोज करते हैं कि मुझे जो फॉर्मूला लेना है वो मुझे एक्स का फॉर्मूला बनाना है. ठीक है, क्वेश्चन में वो कुछ इस तरह से बोल रहा है कि एक्स डिपेंड्स अपॉन, एक्स डिपेंड करता है कुछ पी पे. ठीक है, पी की पावर ए हो गई. ठीक है, अब क्यू पे डिपेंड करता है, उसकी भी पावर कुछ बी हो गई. और वो बोल रहा है आर पे डिपेंड करता है, उसकी भी पावर कुछ सी हो गई. मतलब थ्री क्वांटिटीज आ गई मेरे पास. अब मैंने देखा जब वो डिपेंड करता है तो इसका मतलब कि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला लगाते हैं. ठीक है, अब हमें पावर्स बताएंगी कि नेगेटिव हुई तो इसका मतलब कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है. वो अभी हम चलकर कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, देखते जाना. अब मैं इन तीनों को कंबाइन करूंगी तो कंबाइनिंग करके मेरे पास कितना है, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर ए, क्यू की पावर बी एंड आर की पावर सी. ठीक है, अब सपोज करती हूँ मैं, ठीक है, अब एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कुछ के कॉन्स्टेंट लेके आना पड़ता है. अब के कॉन्स्टेंट देखो, अगर तो क्वेश्चन में गिवन है तो आप के कॉन्स्टेंट लिख देना. ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपके पास के कॉन्स्टेंट नहीं गिवन तो के ही चलने दो लास्ट तक. ठीक है, गॉट इट? तो आप के ही चलने देना, राइट? और कई केसेस में उन्होंने बोल दिया होगा वेयर के इज वन, तो वहां पे वन सब्स्टिट्यूट करके साइड पे कर देना बात को. ठीक है, अब देखते हैं. अब एक्स कोई क्वांटिटी होगी, कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, इट कुड बी फोर्स. ठीक है, स्पीड हो सकती है, वॉल्यूम हो सकता है, मतलब कि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है. तो इसका मतलब इसका कुछ डायमेंशन फॉर्मूला होगा. तो मैं अभी के लिए ऐसे ही लेट कर दूं कि ये सपोज करो एम जीरो एल जीरो टी जीरो. ठीक है, मैंने इसका डायमेंशन फॉर्मूला बोल दिया. के तो ऐसे ही रखूंगी, कांस्टेंट है. अब पी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका भी कुछ डायमेंशन फॉर्मूला होगा. लेट इट बी, मैं ऐसे बात कर लेती हूँ एम वन एल वन टी वन. ऐसे ही रैंडमली लिख रही हूँ मैं. ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही होना चाहिए. ऐसी क्यू भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है. अच्छा, इसकी पावर पी की पावर ए थी. क्यू भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी कितनी, एम वन एल वन टी वन. इसका भी ऐसे ही लिख दिया मैंने. हर बार सेम नहीं होगा, मैं जानबूझ के लिख रही हूँ ऐसे. ठीक है, सी होगा हमारे पास एम वन एल वन टी वन, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि पावर सी. अब आप लोगों को पता है कि अब मैं अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये कितना आएगा, के इज इक्वल टू एम की पावर ए एल की पावर ए टी की पावर ए. ऐसे एम की पावर बी एल की पावर बी टी की पावर बी. ठीक है, ऐसी एम की पावर सी एल की पावर सी टी की पावर सी. ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, जो पावर्स है उनको इनसाइड मल्टीप्लाई करवाया. ठीक है, अब क्या होगा मेरा काम, बेसिस आर सेम, वी ऐड पावर्स. तो अगर बेसिस सेम है तो हम पावर्स को कैसे ऐड करेंगे, मैं क्या यहाँ पे लिख दूंगी एम की पावर ए प्लस बी प्लस सी.
ऐसी एल की पावर ए प्लस बी प्लस सी, ऐसी टी की पावर ए प्लस बी प्लस सी. इज इट क्लियर विद एवरीवन? यस मैम. है ना, समझ आया सबको? अच्छा, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है ना कि ये क्या बोल रही है पी क्यू आर, है ना, तो उनके लिए मैं बता दूं ये पी क्यू आर कल को आपको क्वांटिटीज हो सकती है. ठीक है, मैं कोई भी क्वांटिटी दे सकती हूँ, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये वर्क हो जाएगा, ठीक है, ये पावर हो जाएगी. तो आप उनके डायमेंशन फॉर्मूलाज लगाओगे तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने हैं आपने. गॉट इट? ठीक है, और इस तरफ हमारे पास क्या बैठा हुआ है, इसको ऐसे ही दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, एम जीरो एल जीरो टी जीरो. जरूरी नहीं है कि इट विल बी ऑलवेज एम जीरो एल जीरो टी जीरो, सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं रैंडम ऊपर पावर्स ले रही हूँ. ठीक है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो. गॉट इट? इस तरह से आया हमारे पास, या क्या? अब आप नोटिस करो जरा, इस तरफ भी एम है, इस तरफ भी एम है, इस तरफ भी एल है, इस तरफ भी एल है, इस तरफ भी टी है, इस तरफ भी टी. तो हम क्या करेंगे, व्हाट आई विल राइट, मैं सीधा लिखूंगी कंपेयरिंग पावर्स. पावर्स को कंपेयर किया तो सबसे पहले थ्री लाइंस लगा लू, थ्री लाइंस लगा ली ऐसे, वन टू थ्री, थ्री कॉलम बन गया हमारे पास. ठीक है, अब एम की पावर एम के साथ कंपेयर करूंगी. ठीक है, तो इट विल बी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. एम की ये पावर थी ना, और इधर एम की पावर ये थी. ठीक है, ऐसी एल की पावर जीरो, ऐसी टी की पावर जीरो. ठीक है, तो इन तीनों की पावर आ गई ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. है ना, तो थ्री क्वांटिटीज, थ्री इक्वेशंस, थ्री अननोन्स. यहां से मुझे कुछ ए मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, सी मिल जाएगा. इज इट क्लियर विद एवरीवन? मतलब थ्री इक्वेशंस, थ्री अननोन. है ना, सिंपल मैथ्स की इक्वेशंस है, इनको सॉल्व कर देना. आपने सॉल्व किया तो सपोज करते हैं, मैं जानबूझ के यहाँ पे लिख रही हूँ डिफरेंट नंबर्स. ठीक है, सपोज करते हैं ए की पावर आई वन बाय टू, इसकी पावर आई माइनस टू, और इसकी पावर आई मेरे पास थ्री. ठीक है, तो अब जो मेरे पास ये फॉर्मूला वाली इक्वेशन थी ना, और क्वेश्चन ने बोल दिया के इज इक्वल टू वन है, तो अब मैं यूजिंग वन लिखूंगी इस इक्वेशन को. ठीक है, अब मैं लिखूंगी यूजिंग वन. अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, देख लिया सबने? अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ, एक्स इज इक्वल टू के की पावर वन थी तो मैंने वन ही लिखा, रहने दिया. पी की पावर ए आई तो आज मैं पी की पावर में वन बाय टू लिखूंगी क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर ली. क्यू की पावर बी आई तो क्यू की पावर में मैं माइनस टू लिखूंगी. आर की पावर सी है तो मैं आर की पावर में थ्री लिखूंगी. गॉट इट? बन गया फॉर्मूला? अभी भी कुछ बच्चों को फॉर्मूला में कंफ्यूजन है तो इसको बिल्कुल जैसे हमारे फॉर्मूलाज होते हैं वैसे बनाते. तो ऊपर आएगा वन बाय टू, किसकी पावर होती है जब हम किसी का अंडर रूट लिखते हैं. ठीक है, आर क्यूब प्लस में ही है, ये ऊपर माइनस टू है तो अगर मैं इसको नीचे लिख दूंगी तो ये बन जाएगा. तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया. इज इट क्लियर? क्लियर है ये सबको? ठीक है, आई होप मतलब अगर जो भी न्यू आए हैं ना, तो मतलब गुरकीरत आपको भी, आप भी सॉल्व कर पाओगे. ये जो टर्म्स है ये मैं देती हूँ आपको. ठीक है, आंसर्स में बाकी सारा मेथड आप ट्राई करके देखना एक बार. ठीक है, अब देखो दोबारा से मैं एक आपको ओवरव्यू अगेन दे रही हूँ सो दैट कि आप सबको समझ आए. ठीक है, देखो अब क्या होगा, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला में कोई भी रैंडम फिजिकल क्वांटिटी आपको बोल दी जाएगी. जैसे सपोज करो कि कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पे आप ई लिख दोगे क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. फिर दे विल आस्क यू कि एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, सपोज कहते हैं मास पे डिपेंड करती है. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एम की पावर ए, जो मास को छोटा छोटा एम से सिंबलाइज करेंगे तो एम की पावर ए. देन दे से इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी तो वी की पावर बी. ठीक है, देन दे से इट डिपेंड्स अपॉन टाइम तो टी की पावर सी. गॉट इट? ठीक है, फिर आप कंबाइन करोगे, आपने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इस तरह से लिखा. फिर उसके बाद आप वहां पे प्रोपोर्शनैलिटी को जब भी रिमूव करते हैं देयर ऑलवेज कम्स अ के कांस्टेंट, तो आप के कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करोगे. इस तरह से आपके पास आएगा. ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे एनर्जी थी, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे. ये मास था, मास का डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे. क्यू का मतलब मैंने क्या बोला था यहाँ पे, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का लिखोगे. आर का मतलब मैंने टाइम बोला था, तो टाइम का लिखोगे. वेरी गुड. ठीक है, पावर्स जो है ए बी सी ये बाहर ऐसी रहेंगी, फिर एबीसी को इनसाइड मल्टीप्लाई करवा देना इन नंबर से. तो कुछ एबीसी प्लस में, कुछ माइनस में, कुछ
फ्रैक्शन में आपके पास नंबर्स बन जाएंगे, तो आप उनको लिख दिया आपने, फिर उन सबको बेसिस आर सेम वी एट पावर्स, तो सारे बेसिस को क्लब कर दो, ठीक है, और फिर पावर्स को एड अप कर दो, फिर उसके बाद कंपेयर करो पावर्स को, और फिर आप मैथमेटिकल का वो रूल लगा के जितनी इक्वेशन उतने अननोन्स लगा के एबीसी फाइंड आउट करो, फिर से इक्वेशन वन में, इसको हमेशा वन मार्क करना है आपने इक्वेशन को, ठीक है, इक्वेशन वन में सब्सिट्यूट करो एंड देयर कम्स योर आंसर. Yes, please. मैम जो k कांस्टेंट था उसका कोई यूज है as such नहीं है ना? हाँ, k कांस्टेंट मैं आपको बताती हूँ, देखो यूज है. अब देखो यहाँ पे k कांस्टेंट मुझे नहीं पता क्या था, क्योंकि काफी सारे ऐसे फॉर्मूलाज आएंगे आप लोगों को क्योंकि पता नहीं होगा, पर अगर आप यहाँ पे नोटिस करो काइनेटिक एनर्जी में, तो आप एनर्जी का फॉर्मूला डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी, तो इससे भी आप डायमेंशन फॉर्मूला सेम निकाल सकते हो. जरूरी नहीं है कि आपको तीन ही क्वांटिटीज चाहिए, पर हाँ मेरा रूल ये है कि आपको तीन मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है, तीन से कम से भी आप डिराइव कर सकते हो, पर तीन मैक्सिमम होनी चाहिए. अगर तीन से ज्यादा आई तो आप डिराइव नहीं कर सकते, ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है. तो अब यहाँ पे देखना जरा, वन बाय टू एक नंबर है ना, अब जब मैंने पूरा ये करूंगी, मैं ये पूरा डेरिवेशन करूंगी, तो देखो कोई भी एक नंबर नहीं आता आगे, तो ये जो k होगा ना, फिर वो क्वेश्चन वाले ने आपको दे रखा होगा कि इट विल बी, मतलब जो भी एग्जामिनर होगा उसने आपको ऑलरेडी दे रखा होगा वेयर k इज इक्वल टू 1/2. अदरवाइज इफ यू अंडरस्टैंड कि अरे ये तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, तो आपको खुद से ही पता है कि फाइनल में ऐसा फॉर्मूला बन रहा है सिर्फ k इज इक्वल टू 1/2 mv², तो आप खुद से ही लिख दोगे कि वेयर k विल बी 1/2. अच्छा, या तो क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी या खुद अजम्प्ट करनी पड़ेगी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. ठीक है, मोस्टली आपको वैसे क्वेश्चन में ही गिवन दे रखी होगी, और अगर नहीं दे रखी होगी कहीं पे भी, ना आपको कोई आइडिया है और ना वैसे, तो आप उसको के ही रहने देना. तो मेरा जो फाइनल फॉर्मूला होता यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोल दिया कि सिंस के इज वन, ठीक है, पर अगर मेरे पास नहीं होता तो आप इसको यहाँ पे के लिखा रहने देना, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं करने वाला. इज इट क्लियर? यस. ठीक है, अच्छा, ये सब मेथड आप सबको समझ आया? यस मैम. तो आपको लगता है कि मैं सॉल्व करूँ एक या फिर आप डायरेक्ट ट्राई करोगे? मैम एक ट्राई करते हैं. चलो आप एक ट्राई करो, ठीक है, साथ के साथ मैं भी आप लोगों को करवाती हूँ, बट देख लेना, ठीक है, एक बार. चलो इसको मैं सामने रखती हूँ, अगर किसी को कोई भी इशू हुआ तो हम कैमरा इसी के ऊपर रखेंगे, ठीक है. अब देखो जरा मेरे पास क्या हुआ, अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर वन रिलेटेड टू दिस. डिराइव द फॉर्मूला फॉर फोर्स विच डिपेंड्स अपॉन, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे मतलब आपको, ठीक है, तो सारा कुछ क्वेश्चन है गिवन होगा कि मेरे को सिंबल कैसा लो, ठीक है, मास m, एंड मास m, वेलोसिटी v एंड रेडियस r, ठीक है, आपको फॉर्मूला डिराइव करना है जो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है. फोर्स के लिए उन्होंने कैपिटल F दे दिया. ओके, मेरी एक बात ध्यान से सुनना, एक और जो मिस्टेक्स आप लोग एग्जाम में करोगे मैं उसको पहले ही मेंशन कर देती हूँ. अब क्या हुआ, कल को ना मतलब सुखमन का मन किया कि मैं क्या करूंगी, कि मैं नहीं चाहती कि मास पहले लिखूं, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं मास यहाँ पे लिख दूंगी, वेलोसिटी को यहाँ पे लिख दूंगी और रेडियस को यहाँ पे लिख दूंगी, मतलब रैंडमली ऐसे ऊपर नीचे कर देती हूँ सिमेट्री. तो आपने ये चीज नहीं करनी, ठीक है, इज इट क्लियर? ये सिमेट्री नहीं खराब करनी. अगर उन्होंने मास पहले लिखा है तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सबसे आगे क्या लिखोगे, मास ही लिखोगे, देन देयर कम्स वेलोसिटी, देन देयर कम्स रेडियस, तो आप इसी ऑर्डर में आप लिखोगे. गॉट इट? ठीक है, इज इट क्लियर विद सब एवरीवन? यस मैम. यस मैम. राइट करो. अच्छा, फॉर गुरकीरत आपको मैं फॉर्मूलाज बता देती हूँ किस किस के कैसे हैं. तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, चलो पहले वहां तक पहुंचो तो सही, इसको देखकर उस मेथड तक पहुंचो तो सही. पिक्चर इज नॉट क्लियर,
ये लो मास वेलोसिटी एंड रेडियस, दीज आर दी थ्री टर्म्स जिसके ऊपर हमारी फोर्स डिपेंड कर रही है, उसको लेकर आपने फॉर्मूला डिराइव करना। और अगर आप नोटिस करोगे ना तो देखना ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी करेक्शन ऑफ दी फॉर्मूलाज में करवा रखा था। हाँ जी, कोई ऐसा जिसको डायमेंशन फॉर्मूलाज चाहिए एक्सेप्ट गुरकीरत? हाँ जी सिमरन, आपको समझ आ रहे हैं? यस मैम। वेरी गुड। तो देखो अगर किसी को चाहिए तो मैं बता रही हूँ इधर फोर्स की जगह पे जहां पे मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया है। हाँ जी नितिन पूछिए। ठीक है, आई वांटेड फॉर्मूला मैम। फॉर्मूला ना, अच्छा ये लो। देखो फोर्स का फॉर्मूला है m1 l1 t -2 डायमेंशन फॉर्मूला, साइड पे लिख लो जिस जिसका मैं बोल दूं। ठीक है, मास भी चाहिए था तो देखो मास का डायमेंशन फॉर्मूला ये पड़ा है आपके पास। ठीक है, फोर्स का हो गया, मास का हो गया। ठीक है, नाउ यू वांट वेलोसिटी। ठीक है, ये लो वेलोसिटी का। ठीक है, ये रहा m0 l1 t -1, लिख लिया। मास हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया। नाउ देयर कम्स डिस्टेंस या मतलब रेडियस जहां पे है, तो रेडियस का होगा m0 l1 t0। गॉट इट? साइड पे लिख लेना सारे। मैम एक बार ही जो आपने पहले मतलब डेरिवेशन की वो दिखा दोगे एक बार? हाँ जी हाँ जी, ये लो ये लो। अगर बॉयज आपको फिर से नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, मैं इसी पेज पे लिख देती हूँ। देखो फोर्स का है m1 l1 t -2। मैम एक बार आप भी सॉल्व कर देना। हाँ वो तो मैं ऑब्वियसली आई विल डू, वो तो मैं करूंगी। m1 l0 t0। प्लीज वेट, अभी मत करना मैम, 2 मिनट रुक। हाँ, पक्का। v इज इक्वल्स टू, देखा आदित्य हम तो करने को तैयार है, ये लड़कियां ना ऐसी करती है, खुद सॉल्व कर लेती है ना। m0 l1 t0 ये लो। ठीक है, अगर किसी को फॉर्मूला चाहिए बस बेसिस आर सेम, v एट पावर्स फटाफट से सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे वैल्यूज मल्टीप्लाई करवाओ abc, देन बेसिस आर सेम v एट पावर्स, देन कंपेयर एंड देन आंसर। अच्छा कोई और लेट है जिसने लेट ज्वाइन किया है? आई गेस करण इज न्यू हियर। कोई और जिसने लेट ज्वाइन किया है एंड इज अ न्यू कमर तो प्लीज खुद ही इन्फॉर्म कर देना मुझे। मैम थोड़ा कैमरा पीछे करना मैम। ये लीजिए, चलो अब मैं भी साथ में सॉल्व करती हूँ जब तक गर्ल्स का हो जाएगा। ठीक है, अब हुआ ऐसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन सबसे पहले मास के ऊपर, मुझे नहीं पता क्या थी पावर उसकी, इसलिए मैंने ए लिख दिया, वेलोसिटी की पावर बी एंड रेडियस की पावर सी, कंबाइन किया। कंबाइनिंग F is directly proportional to m की पावर a, b की पावर b and r की पावर c. I hope it is clear. यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट है प्लीज अपना माइक ऑन करो और मुझे बोल दो।
फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ के कांस्टेंट मेंशन करना था, तो मैं यहाँ पे के कांस्टेंट साथ में मेंशन कर दूंगी, और m की पावर a, v की पावर b एंड r की पावर c. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट व्हाट डायमेंशन फॉर्मूलास. m1 l1 t माइनस टू, क्योंकि ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है फोर्स के लिए. k को ऐसे ही लिखा रहने देती हूँ, मास है, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l0 t0 की पावर a. v का है m0 l1 t माइनस वन की पावर b. ठीक है, और r का है m0 l1 t0. जितने भी आज न्यू आए हैं वो प्लीज घबराए ना कि अरे ये डायमेंशन फॉर्मूला लर्न कैसे करेंगे, बड़ा डिफिकल्ट है. बहुत इजी है. ठीक है, जैसे ही मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी आप खुद बोलोगे अरे इसको तो कुछ लर्न करने की जरूरत ही नहीं थी. ठीक है ना, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है. अब देखो मैं क्या करूंगी, पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो ज्यादा रश ना क्रिएट करने की बजाय ना देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगी. ए है एम की पावर ए, जीरो इंटू ए जीरो ही रहेगा, लिखू ना लिखू ऐसे ही रहने देती हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे एल की पावर बी, टी की पावर माइनस बी. ठीक है, और इधर एल की पावर सी. इजी हो गया ना, मतलब जिनकी पावर जीरो है उनके साथ मल्टीप्लाई, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन, उसको लिखू ना लिखू वन एंड द सेम थिंग. अब बेसिस आर सेम, वी एड पावर्स. अब देखो बेसिस तो है ही नहीं और कुछ, एम और कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, तो एम ए ही है. एल मेरे पास कितना आ गया, बी प्लस सी, एक ये रहा एक ये रहा, है ना, और टी भी एक ही है तो माइनस बी. इज इट क्लियर विद एवरीवन? यस मैम. अब मैं देखो पावर्स को कंपेयर करूंगी, तो फिर से वही चीज आ गई, कंपेयरिंग पावर्स. ठीक है, पावर्स को कंपेयर किया, तो इस फॉर्मूला में देखो ए इज इक्वल टू, थ्री लाइंस लगाई, ए इज इक्वल टू वन, एम की पावर इसके साथ तो वन, एल क्या है बी प्लस सी इज इक्वल टू वन वन, एंड माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू, टी की पावर टी के साथ, एल की पावर एल के साथ, एम की पावर एम के साथ. आई डिड दिस. अब यहाँ पे ए इज इक्वल टू वन तो बॉक्स कर लो. अब ये नहीं पता है पर यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज है, बी इज इक्वल टू टू, तो टू प्लस सी इज इक्वल टू वन, तो सी इज इक्वल टू वन माइनस टू, तो सी इज इक्वल टू माइनस वन. तो अब इसको इक्वेशन नंबर वन देना था, अब इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, एफ इज इक्वल टू के नहीं गिवन, तो के लो क्वेश्चन में मैं दे देती हूँ, के इज इक्वल टू वन होता है. ठीक है, मैं दिया करूंगी हमेशा आप लोगों को, अगर मैं भूल भी जाती हूँ तो यू मे आस्क. ठीक है, तो एम की पावर क्या है, ए, तो पहले ए ढूंढो, एम की पावर वन. ठीक है, वी की पावर है बी, वी की पावर हो गई टू, और r की पावर माइनस वन, माइनस वन, तो f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय r. तो इसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स. अभी हम आगे चलकर 11th क्लास में सेंट्रीपिटल फोर्स भी पढ़ेंगे. ये वो फोर्स होती है जो आपको रेड लाइट, सॉरी जितने भी आपके पास राउंड अबाउट्स हैं चंडीगढ़ में, ठीक है, उसके अबाउट राउंड घूमने में हेल्प करते हैं. तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स वो है जो अर्थ को हेल्प करती है सन के अराउंड सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करने में. ठीक है, ये वो वाली फोर्स है जो मून को हेल्प करती है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में. ठीक है ना, तो ये फोर्स बहुत काम की है, हमारे बहुत काम आने वाली है. एंड इफ यू रिमेम्बर, हमने करेक्शन ऑफ द फॉर्मूलाज में इस फोर्स को डिस्कस किया था ऑलरेडी. इज इट क्लियर नाउ? Yes, हाँ जी. अब मुझे बताओ कि किस किस को प्रॉब्लम है, अभी भी मुझे बता दो कि किस किस को प्रॉब्लम है, क्योंकि अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन देने वाली हूँ. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी, वो जहाँ पे आपने वो पीछे फॉर्मूलास लिखे थे वो एक बार पूरी शीट दिखा दो. कौन ऊपर वाली जो शीट है? अच्छा, ये वाला मतलब डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला. यस मैम, इसका थोड़ा ऊपर. अब अपनी स्क्रीन रोटेट कर लेना. हाँ जी मैम. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी प्लीज मैम. एक्चुअली ना मेरे को ना बुक्स मतलब कल ही मिली हैं, वो शॉप्स बंद थी ना मैम. मेरे को मैं रही थी तो मेरे को कंफ्यूजन हो गई कि हम फर्स्ट चैप्टर करें, मतलब अकॉर्डिंग टू द बुक वैसे तो हम यूनिट्स करें, तो फर्स्ट चैप्टर है कि सेकंड चैप्टर है. मतलब आपने एनसीईआरटी में से बोल रहे हो आप? यस मैम, एनसीईआरटी में से. अभी अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो प्लीज डू नॉट टच एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में आपको बिल्कुल
एंड में करवाऊंगी, ठीक है, एंड में, या फिर जैसे आपके एग्जाम्स नियर बाय आएंगे तो हम एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी अगर आप हो सके तो आप कोई भी प्रदीप या फिर अभी मैं एचसी वर्मा भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि इतनी भारी 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 बुक्स एट वन प्लेस आप नहीं अभी कर पाओगे। सिंपल आप प्रदीप से उठाओ, ठीक है, वहां पे आपको चैप्टर वाइज यूनिट वाइज आपको चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है। और हर यूनिट के पीछे या हर एक, जैसे अगर जैसे मैंने ये डिराइव करवाया है ना, तो इस डेरिवेशन के नीचे उन्होंने कुछ डिराइव किया होगा सपोज करो, तो उसके नीचे ना 4 questions होंगे, 2 questions होंगे, 3 questions होंगे जस्ट फॉर प्रैक्टिस, तो आप उसको उठाओ एंड उसको रिवाइज कीजिए, ओके मैम, ठीक है। और अगर काफी लोगों को ऐसे लग रहा है कि पेंडेमिक है तो हम बाहर नहीं जा सकते, तो डोंट यू वरी, ठीक है, ये नोट्स बन रहे हैं, ठीक है, पुराने लेक्चर्स उठाओ, उसमें मैं आपको बार बार क्वेश्चंस दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आया कि बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बट विद टाइम मैं आपको क्लास में भी करवाऊंगी, तो आप सिर्फ उसको करो और रिवाइज करो, ठीक है, अगर किसी को ऐसे लगता है, अगर कोई ले सकता है तो प्लीज दे मे गो एंड हैव इट, ठीक है। Yes, ma'am. Okay, thank you. It's okay. चलो अब दूं, next questions दूं? हाँ जी ma'am. चलो, थोड़ा सा tricky सा दे दूं, कर लोगे? हाँ? Yes, ma'am. Try करते हैं ma'am. तो आप तो हो ही. चलो एक easy देती हूँ पहले, ठीक है, बिल्कुल सेम इसकी तरह ही, फिर उसके बाद देखते हैं कि आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, चलो सेम ऐसा ही होगा, ठीक है, कहीं पे भी किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पता लग रहा तो मेरे से पूछ लो, ठीक है, उसका मैं बता देती हूँ। देखिए जरा, व्हाट वुड बी दी डेरिवेशन, व्हाट वुड बी दी फॉर्मूला फॉर वर्क, अच्छा अगर डिपेंड्स अपॉन नहीं बोलेंगे ना तो अभी यहाँ पे देख लेना, फॉर्मूला फॉर वर्क, ठीक है, एक सेकेंड भावेश मैं आपके पास आ रही हूँ, आई एम कमिंग बैक टू यू, मुझे जस्ट लेट मी राइट दिस फॉर्मूला, ठीक है, हमारे पास है फॉर्मूला फॉर वर्क, इफ द फंडामेंटल, अच्छा अब डिपेंड्स अपॉन की जगह पे उसने बहुत स्मार्टली आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एक लाइन लिख दी कि इफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर, ठीक है, वो कौन कौन सी है, इफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज जो वर्क के ऊपर डिपेंड करती है, आर फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है, और के यहाँ पे है 1, फाइंड आउट करो, तो कहने का मतलब है कि जो वर्क है W, इट डिपेंड्स अपॉन फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम हमारे पास स्मॉल t, ठीक है, कोई भी बच्चा यहाँ पे टाइम को कैपिटल T नहीं मेंशन करेगा जब तक मैं नहीं बोलूंगी थ्योरी में, डायमेंशन फॉर्मूला में तो कैपिटल टी लिख रहे हैं पर थ्योरी में आप नहीं लिखोगे, वाई रीजन बीइंग बिकॉज हम एक लेते हैं टाइम, एक होता है देखो, एक होते हैं ये स्लॉट्स, राइट, आप लोगों को इसका रीजन भी बता देती हूँ, ये देखो ये हो गया टाइम, टी इज इक्वल टू 1 second, टी इज इक्वल टू 2, टी इज इक्वल टू 3, 4 एंड सो ऑन, और ये हो गया एक कैपिटल टी इज इक्वल टू 4 seconds, ये हुए स्लॉट्स जिसके बारे में हम हमेशा डिस्कशन करते हैं, इसको बोलते हैं टाइम टाइम टाइम, ठीक है, ये बोलेंगे हम टाइम पीरियड, मतलब उसने पूरा कितना टाइम लगाया, तो इसीलिए हम टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और बाकी सबको स्मॉल से, क्लियर, ठीक है, चलो बाकी सब ये सॉल्व करो, ऑल राइट, तो अब देखते हैं, अगर किसी को डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आता तो वो बताना, इन द बिगनिंग कोविड पॉजिटिव, ओके भावेश देखो आपको कोई भी ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम लोग सिर्फ अभी फर्स्ट पोर्शन के कुछ ही पार्ट आगे लिख ले हैं, ठीक है, और इन सबको मैं दोबारा से, आज ही इसकी लास्ट टाइप है हमारे पास, तो इस लास्ट टाइप को कंप्लीट करने के बाद मे बी इन द नेक्स्ट क्लास, और अगर आज टाइम से कंप्लीट हो जाता है तो मैं आज ही आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, नहीं तो अदरवाइज बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार फुल रिविजन दूंगी जितना जितना इन सब ने कर लिया है, सो डोंट यू वरी, ठीक है, आराम से क्लास अटेंड करो और आप देखो कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, तो इट्स ओके, अच्छा अगर आप स्टिल कोविड पॉजिटिव हो तो प्लीज आप घबराओ मत, ठीक है ना, स्टे पॉजिटिव, ठीक है, तो आप ठीक हो जाओगे,
इट्स ओके अगर आप संडे तक भी हो तो हम कोई बात नहीं, हम क्लासेस को अरेंज कर लेंगे. दे आर लेक्चर्स ऑनलाइन यूट्यूब पे ऑलरेडी लेक्चर्स डल रहे हैं एवरी डे. तो आप अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि मेरा गलती से ये लेक्चर मिस हो गया तो आफ्टर वन और टू डेज के बाद ये लेक्चर अपडेट हो जाता है. ठीक है, तो आप क्लास के साथ कोप अप करो और फिर वो लेक्चर, ठीक है, वहां पे जो अपडेट हुआ है उसकी वीडियो देख लो. ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता तो प्लीज मेरे को बताओ, मैं आपकी दोबारा से क्लास ले लूंगी, एक्स्ट्रा क्लास अरेंज हो जाएगी. ठीक है, तो कोई इतनी बड़ी डील नहीं होगी. बस आपका पर्पस ये होगा कि जितना मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्या वो आपको समझ आ रहा है, क्या वो ऑन द स्पॉट लर्न कर पा रहे हो. दिस शुड बी योर ड्यूटी ओनली. नोट्स कहाँ से आ रहे हैं, हमें कितने लेक्चर्स करने हैं, हमारे कितने चैप्टर्स है, वो आपकी ड्यूटी नहीं है. आप वो क्वेश्चन अराइज करो. ठीक है, वेरी गुड. तो अभी आप यहाँ पे आज का लेक्चर देखो, ठीक है, और क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसको ध्यान से फोकस करो एंड स्टे पॉजिटिव. ठीक है, डन मैम. अरे वाह, आदित्य, आदर्श, ये लड़कियां फिर आगे निकल गई. चलो बताओ कितना आंसर आया आपका. मैम FVT. यस, वेरी गुड शिवांगी, वेरी गुड. अब सब देख लो कि इतना ही मैच करना है आपने जितना शिवांगी ने हमें बताया. अब मैं एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन दूंगी, पर मैं उसके आपको खुद वैल्यूज जरूर डिस्कस करूंगी कि यस दीज आर दी वैल्यूज. डन मैम. वेरी नाइस. डन डन. पक्का सबका आ गया. तो मैं अब रेदर देन इतना बड़ा लिखने की बजाय अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं पहले उनके बारे में उनको यहाँ पे बता दूँ. डायमेंशन फॉर्मूला है, ये वाले यूज हो रहे हैं. वेलोसिटी का होता है m0l1t-1. ठीक है, देन देयर कम्स टाइम. ठीक है, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास कितना है, m0l0t1. एंड देन देयर कम्स वर्क. ठीक है, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला है m1l2t-2. ठीक है, तो इन वाले फॉर्मूलाज को अगर मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करूँ, अब मैं पूरा सारा लेंथी नहीं लिखती, तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला L2T-2 विल बी इक्वल टू, सबसे पहले फोर्स था तो m की पावर a, l की पावर a, t की पावर -2a. ठीक है, और यहाँ पे फिर वेलोसिटी है तो m0 l की पावर b, t की पावर -b, और फिर देन टाइम है तो t की पावर c. ठीक है, बेसिस आर सेम, वी एट पावर्स, तो m a रहा, l b प्लस c रहा, t -2a प्लस c रहा, है ना. अब मैं कंपेयर कर रही हूँ पावर्स को सिंपली. मैंने शॉर्टकट किया है सो दैट कि टाइम भी बच जाए हमारे पास. देखो अब क्या होगा, बेसिस देखो, m की पावर को m की पावर के साथ ही कंपेयर करेंगे. तो तीन लाइंस लगाई मैंने. ठीक है, a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे b प्लस सी, एल की पावर b प्लस सी है, और इधर क्या है 2, और इधर है हमारे पास t इज इक्वल टू -2a प्लस c इज इक्वल टू -2. ठीक है, तो a की पावर 1 है तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, -2 प्लस c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -2 प्लस 2, तो c क्या हो गया हमारे पास 0. मेरा c तो 0 आ रहा है, c 0 तो ना आएगा. मैम सी 1 आ रहा था, वो 3 आ रहा था उस तरफ, -3 प्लस सी. कहाँ पे -3 प्लस सी, मैंने कहाँ पे मिस्टेक की. नहीं ये देखो ना, फोर्स पे डिपेंड करता है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लगाया ना मैंने. ओ देखो टी की ये वाली वैल्यू हमने -b भी है. हाँ -b भी हमने मिस कर दिया, तो ये आएगा -b, है ना. तो पहले b भी निकालना पड़ेगा हमें, b इज इक्वल टू 2-c. ठीक है, अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो लास्ट वाली सॉल्व करनी है. तो लास्ट वाली इक्वेशन है -b -2a प्लस c इज इक्वल टू -2. ठीक है, b की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट किया मैंने, -2-c, 2-c प्लस 2 × 1, -2 × 1 प्लस c इज इक्वल टू -2. ठीक है, तो ये देखो -2 प्लस c, फिर -2, फिर प्लस c इज इक्वल टू -2, राइट. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -2 -4 प्लस 2c इज इक्वल टू -2, 2c इज इक्वल टू -2 प्लस 4, सो इट विल 2c इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, c इज इक्वल टू 1. एंड b में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2-1 विल बी
बी इज इक्वल टू वन, ए बी वन बी वी वन एंड सी बी वन. तो हम फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे w इज इक्वल टू एफ की पावर वन, ठीक है, देन देयर कम्स वेलोसिटी की पावर वन एंड t की पावर वन. तो लो हमारे पास फॉर्मूला बन गया एफ वी टी. इज इट क्लियर? यस मैम. ठीक है, कैलकुलेशंस ध्यान से करना. देखो मेरे से भी मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो आपसे भी हो सकती है, तो इतना कोई डरने की जरूरत नहीं है. दोबारा से चेक कर लो कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है. गॉट इट? चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, सो दैट की इज दैट क्लियर. गुरकीरत आपको समझ आया? सिमरनजीत क्लियर है? भाई क्लियर है सबको? यस मैम. वेरी गुड. ठीक है अब चलते हैं आगे. अगर स्पीड फास्ट लग रही है तो बोल देना मेरे को कि बहुत फास्ट हो आप. ठीक है अब इस क्वेश्चन में ना ध्यान से सुनना आप लोग की क्या होगा. लिटिल बिट ओके, कोई बात नहीं, लिटिल बिट ही क्लियर हुआ है, इट्स ओके, क्योंकि आपने किया नहीं है ना. अच्छा इतना तो समझ आ गया ना कि जैसे ही क्वेश्चन बन जाएगी पावर्स को मल्टीप्लाई करवाओगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद पावर्स को कंपेयर करोगे, कंपेयर करके एबीसी निकालना है, एबीसी को फिर एक्चुअल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना. बस इसका एक ही मेथड है, एबीसी निकालो, एबीसी को पिक करो और फिर उसके बाद उसको एक्चुअल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना. ठीक है अभी ऐसे होगा कि जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये मेथड आपके दिमाग में जाएगा. ठीक है पर अब यहाँ पे देखना एक ट्रिक यूज होगी जो अभी नेक्स्ट आएगा. आई होप मैं इसमें हिंट नहीं दूंगी आप लोगों को, ठीक है, पर जब मैं बाद में सॉल्व करूंगी तो आप मेरे को बताना. आपको निकालनी है द वेलोसिटी वी ऑफ ट्रांसवर्स वेव. अच्छा सब पढ़ के आए होंगे ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल, सुना है ना सबने? yes, ये सब आएगा 11th क्लास में. ठीक है तो यू हैव टू कोप अप विद मी. ठीक है आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बिल्कुल पुरानी चीजें हैं. ठीक है देखने में ये पुरानी है पर एवरीथिंग इज न्यू टू यू, भूल जाते हो तुम सब कुछ. अच्छा अब ये किस किस पे डिपेंड करता है, कहते ये जो वेलोसिटी है ना अब ये किस किस पे डिपेंड करेगी. उसने खुद ही हिंट दे दिया, सबसे पहले कहता लेंथ एल, ठीक है, सेकंड में कहता आप लिखना टेंशन टी. अच्छा अगर किसी को यहाँ पे टेंशन टी नहीं समझ आ रहा, टेंशन का मतलब होता है कि मैं यहाँ पे पहले आपको उस चीज के बारे में बता देती हूँ जो छोटी छोटी हम टर्म्स यूज करें. टेंशन का यहाँ पे मतलब होता है, देखो जब भी कोई स्ट्रिंग, ठीक है, वायर, ठीक है, या फिर कोई भी रोप, ठीक है, स्ट्रिंग थ्रेड, ठीक है, ये ऐसे ऐसे वर्ड्स जहां पे आएंगे ना वहां पे उस धागा या उस स्ट्रिंग या फिर वो जो वायर है वो स्प्रिंग, ठीक है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, उन सब के अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस होती है. आप नोटिस करना, आपने एक धागा पकड़ा, सपोज करते हैं थ्रेड ली आपने, ठीक है, वो थ्रेड जो आपने ली वो पहले बेचारी ऐसे थी, ठीक है, अब एक एंड से आपने उसको यहाँ पे टच कर दिया, ठीक है, कि आप उसको पकड़ रहे हो अपने हैंड से, ठीक है, यहाँ पे कोई अपने हैंड से उसको पकड़ रहा है, ठीक है, तो अगर आपने उसको टच किया तो आप देखना वो एकदम से स्ट्रेट हो जाती है ना, मतलब टाइट हो जाती है एकदम से. तो जो ये जो चीज होना इसको बोलते हैं कि उस चीज में क्या प्रोड्यूस हो गई, टेंशन. तो इसका मतलब कि खैर आगे चलकर हमारे पास पूरा एक चैप्टर है टेंशन के ऊपर, यूनिट नहीं चैप्टर है, ठीक है, तो एक पूरा टेंशन के ऊपर चैप्टर है, पर मैं यहाँ पे ही आपको बता देती हूँ कि इसके न्यूमेरिकल्स का सबसे बड़ा हिंट ये होगा कि आपके हर क्वेश्चन में वहां पे आपको लिखा मिलेगा थ्रेड रोप स्ट्रिंग, ठीक है, ऐसी चीजें मिलेंगी जिसमें आप सोच पाओगे कि यस इसमें क्या प्रोड्यूस हुई होगी, टेंशन. और ये टेंशन कोई नहीं आपको यहाँ पे बोलेगा, टेंशन हमेशा याद रखना ये उस तरफ को होती है जिस तरफ को इसको बांधा हुआ होता है. अब देखो इंसान इधर था ना, मतलब जो भी ह्यूमन बीइंग था या आप लोग थे, आपने इसको पकड़ा हुआ था, तो जिस तरफ को पकड़ा मैंने उसका एरो उस तरफ को मार्क किया, ये इस तरफ को देखो टाइटली मतलब इसके साथ मतलब अटैच की हुई है हमने, तो टेंशन देखो मैंने इसकी तरफ को मार्क की, ना कि फ्री एंड. फ्री एंड का मतलब जो हवा में झूल रहा है उसके साथ नहीं मैंने किया, ये कोई हमारे पास कोई वॉल है कुछ है सीलिंग है तो उसकी तरफ जो अटैच किया उसमें क्या आई, टेंशन.
तो इसका मतलब कि टेंशन हमेशा उस डायरेक्शन में होगी, उस तरफ को होगी जिस तरफ को उसको बांध कर रखा होगा, टाइटली अटैच किया होगा. इज इट क्लियर? ठीक है. यस मैम. ये छोटी छोटी बातें फिजिक्स में बहुत काम आने वाली है आपके पास. ठीक है, तो ध्यान से सुनना. ये बिल्कुल जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएगी. गॉट इट? तो अब टेंशन एक तरह की क्या हो गई हमारे पास आज से, फोर्स. तो जो डायमेंशन फॉर्मूला अभी तक आप फोर्स का करते आ रहे हो, वही डायमेंशन फॉर्मूला आप अब किसका लगाओगे? टेंशन का. अच्छा, अब कुछ बच्चे उठ के आ गए कि मेरे को क्वेश्चन में बोलते, मेरे को क्वेश्चन में आया सरफेस टेंशन, तो बोलते कि आपने तो सिखाया था कि टेंशन जहां पे होगी आप फोर्स का फॉर्मूला लगा दो. नो, आई एम ओनली सेइंग टेंशन, नॉट सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन की बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दिखा सकूं एट अ टाइम, मतलब वर्चुअली विजुअलाइज करवा सकूं, तो आप ये सोचो कि आप जो चाय, दूध या कुछ भी ऐसा पीते हो तो उसके ऊपर एक मलाई की लेयर आ जाती है ना? वो जो लेयर आना, दैट इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन. वो क्यों आती है वो भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, और ये वाली टेंशन देखो कैसी है. तो यू आर नॉट गोइंग टू मिक्स दीज टर्म्स. गॉट इट? तो टेंशन का आज से डायमेंशन फॉर्मूला कैसा होगा? फोर्स. तो जहां पे आप टेंशन की डेफिनेशन हमारे पास ये हुई कि इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज अ काइंड ऑफ फोर्स ओनली विच एक्ट्स अपॉन द बॉडीज विच आर अटैच्ड टू द फ्री एंड. ठीक है ना. अब गुरकीरत, हमारे पास ना टेंशन के ऊपर एक पूरा चैप्टर है. जब आप कर लोगे मोशन के लॉस, मतलब न्यूटन के लॉस कर लोगे ना, उसके बाद आपके पास डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आएंगे टेंशन के. तो वहां पे आप लोग एक्चुअली में वहां पे अच्छे से मैं डिफाइन करूंगी कि यस दिस इज टेंशन. ठीक है, अभी मैं जो क्वांटिटीज आपके यूज में आ रही है बस मैं उनको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि यस दिस इज द न्यू स्टूडेंट, ये ऐसा दिखता है. ठीक है, अभी मैं उसके बारे में उसका बिहेवियर एकदम से नहीं मैं जान पाऊंगी. जैसे अभी आप सब लोग क्लास में बैठे हो, अभी आई डोंट नो कि कौन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है. फ्यू गर्ल्स आर ट्राइंग, राइट? तो अभी ऐसा होगा कि अनटिल अनलेस मैं कुछ रिजल्ट्स पे नहीं पहुंच सकती, मैं तब तक उनको डिफाइन नहीं कर पाऊंगी. तो ऐसी मैं आपको टर्म्स लर्न करवा रही हूँ कि सिर्फ मैं अभी इंट्रोडक्शन दूंगी. जैसे जैसे चैप्टर आएगा ना, तो तब मैं आपके दिमाग पर बर्डन डालूंगी कि यस आज आप टेंशन लर्न करो एंड दिस इज व्हाट टेंशन मींस. करेक्ट? ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे. हम एकदम से सारी चीजें क्रैम नहीं करेंगे, बट यस आई विल गिव यू आइडिया. ऐसे नहीं है कि यहाँ पे टर्म आई तो मैंने बोल दिया इसको टी से रिप्रेजेंट करते हो और लिख दो फॉर्मूला. ठीक है, मैं फुली मीनिंग बताऊंगी कि होती क्या है. ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड जो क्वांटिटी पे वो डिपेंड कर रहा है. देखो मैंने जान पूछ के डिफरेंट कलर से लिखा है, तो इसका मतलब कि ये हिंट होगा आपका इसमें. इट डिपेंड्स अपॉन मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल एम. इसका मतलब कि आज तक जो आप मास ले रहे थे ना, वो हम सिंपल मास m इज इक्वल टू सिर्फ उसके पास मास है ना, उसके पास लेंथ है ना, उसके पास टाइम, ये फॉर्मूला लिख रहे थे. पर आज जो उसने क्वेश्चन में बोला कि ये जो आप m लोगे, ये आप ऐसा कुछ लोगे कि मास पर यूनिट लेंथ वाला होगा, तो इसके नीचे आप लेंथ भी लगाओगे. तो इसका मतलब कि जब ये ऊपर जाएगा, क्योंकि सारा फॉर्मूला एक ही लाइन में लिखना होता है, तो एम वन एल माइनस वन टी जीरो. Got it? मेरा पॉइंट समझ आया यहाँ पे? यहाँ पे आज उसने अकेला मास नहीं बोला आपको, उसने आपको बोला है मास पर यूनिट लेंथ लेना. तो मतलब जब भी आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे तो मास का फॉर्मूला जो होगा उसको लेंथ से डिवाइड करोगे. तो आपने वही किया, यू डिड द सेम, राइट? हमने पहले ही साइड पे डिराइव करके रख लिया. ओके, तो चलो फिर डिराइव करो फॉर्मूला. मैम के की वैल्यू वन है? नहीं, के की कोई वैल्यू नहीं है, के को ऐसे ही चलने दो लास्ट तक. ओके, जिनको डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए जैसे गुरकीरत के लिए, तो हम मार्क कर देते हैं. लेंथ का है एम जीरो एल वन टी जीरो. ठीक है, टेंशन टी का होगा. गुरकीरत आप लिख लो ना, आप लिख लेना इसको, ठीक है, कहीं पे, सो देट मैं आपको फिर वो डेरिवेशन वाला पेज निकाल दूं, आप फिर वहां से कर सकते हो. मास m इज इक्वल टू एम वन एल माइनस वन टी जीरो एंड वेलोसिटी v इज इक्वल टू एम जीरो एल वन टी माइनस वन. आज आप लोग बच गए गुरकीरत के चक्कर में. ठीक है, ओके, हाँ जी, आप कोई बात नहीं, आप लीव कर जाओ. ठीक है, जब हम दोबारा से रिवाइज करेंगे तो प्लीज आप नेक्स्ट क्लास में है ना प्रेजेंट रहना.
correct? To Gurkirat only. चलिए अब बाकी लोगों के लिए निकाल दूं मैं वही वाला पेज जहां पे जनरलाइज डिराइव किया हुआ है मैंने. अच्छा तो एक बार मास के निकाला फॉर्मूला दिखाना. हां मास का दिन निकाला. अरे फॉर्मूला देख क्या देख मैं दिन इधर देखो जरा. मास को लेंथ के साथ डिवाइड करना है. मास पर यूनिट लेंथ तो पहले मास का लिखना फिर डिवाइड बाय लेंथ का. ये ऊपर चला जाएगा आंसर. हमें कुछ भी क्रैम नहीं करना है दैट इज फॉर श्योर. रट्टा किसी चीज का नहीं लगाना. आई होप अब हमने ऑल फोर डेरिवेशंस ऑल फोर यूजेस हमने कर लिए हैं तो वो क्लियर है आप सबको. yes. अभी कुछ कर सकते हो ना मतलब इजी है. ठीक है अभी एक बार रिवीजन करवा कर ठीक है फिर हमने कैलकुलस मेथड स्टार्ट करने हैं. कैलकुलस का मतलब होता है थोड़ा सा मैथ्स आएगा उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन. मैम इसके आंसर में अंडर रूट आता है. यस आता है. मेरा हो गया शायद. वेरी नाइस. कितना आया मैम? एल रेज टू द पावर 1 अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट एम. एल रेज टू द पावर 1. हाँ जी मैम. फिर से चेक करो. ओके मैम मेरा कुछ और आ रहा है मैम अंडर रूट में ही. हाँ जी हाँ जी बोलो. आदर्श आपने आंसर नहीं दिया मुझे. मैम किरण टू के मैम होल रूट. हाँ हाँ सही जा रहे हो मैम. मैम एक सेकेंड किरण आप. यस मैम. v इज इक्वल टू k होल रूट t ओवर m. वेरी गुड वेरी गुड. होल रूट t ओवर m बिल्कुल एप्रोप्रिएट है. हाँ जी फटाफट से मैं सॉल्व कर रही हूँ. सिर्फ वही सिर्फ मैं लास्ट लास्ट वाला पोर्शन सॉल्व कर रही हूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी मैम हो गया. वेरी गुड. एल टी माइनस वन इधर से हम लिखते हैं. सबसे पहले वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है. एम जीरो एल वन टी जीरो की पावर ए. फिर देन देयर इज टेंशन एम वन एल वन टी माइनस टू की पावर बी. देन देयर कम्स एम वन एल माइनस वन टी जीरो की पावर सी. ठीक है अब इन पावर्स को ऐड कर लेते हैं. एम जीरो एल ए टी जीरो एम बी एल बी टी माइनस टू बी. ऐसा तो नहीं है ना किसी को कोई प्रॉब्लम. देखो अंदर मल्टीप्लाई करवा रही हूँ मैं. कोई बच्चा यहाँ पे पूछे कि ये कैसे आ गया. अब बेसिस आर सेम. वी एट पावर्स एम की पावर बी प्लस सी एल की पावर ए प्लस बी माइनस सी टी की पावर माइनस टू बी. है ना कंपेयर करेंगे पावर्स को. पावर्स को अगर हमने कंपेयर किया तो कॉलम बना लेंगे. बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स बी इज इक्वल टू माइनस सी. नेक्स्ट है एल का. ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू वन. राइट तो बी इज इक्वल टू माइनस सी था तो ए इज इक्वल टू सॉरी ए माइनस सी माइनस सी इज इक्वल टू वन. ए इज इक्वल टू माइनस टू सी वन. ए इज इक्वल टू टू सी. ठीक है एक बन गया. अब लास्ट है टी. टी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया सॉरी माइनस टू बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया माइनस वन. तो b is equal to 1 by 2, right? और यहाँ पे c is equal to
माइनस वन बाई टू हो गया, राइट? इज इट क्लियर? और ए इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, टू सी, सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस वन बाय टू, ठीक है? तो आपके पास कितनी आ गई, माइनस वन. एक सेकेंड, यहाँ पे फिर से मेरी भी वैल्यू ए की माइनस वन आ रही है, आनी ना चाहिए? मेरी भी यही आई थी, ये वैल्यू आनी नहीं चाहिए. B प्लस सी, देखना कहीं और तो नहीं मैंने मिस्टेक की. B प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी एंड डी इज इक्वल टू माइनस टू बी. तो इसको जीरो के साथ कंपेयर किया, ए जीरो आना चाहिए ना मेरा, ए जीरो क्यों नहीं आना? अच्छा मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखती हूँ एक बार इसी वाली इक्वेशन में, है ना? b प्लस सी है ना, तो b सी और b है ना, तो हाँ जी प्लीज बताओ कहाँ पे गलती की है मैंने. मैम आपने a सिर्फ 2c लिखा है, तो वो a 1 प्लस 2c होगा ना? ओ राइट, a इज इक्वल टू 1 प्लस 2c आएगा, बिल्कुल सही. चलो यहाँ पे डायरेक्टली मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, ये माइनस था, ये माइनस 1 बाय 2 हो गया 1, ठीक है? तो a इज इक्वल टू एक प्लस का, फिर से प्लस का, हाफ प्लस हाफ वन हो गए, ठीक है? वन, तो ए इज इक्वल टू वन माइनस वन जीरो. लो ऐसे सब्स्टिट्यूशन कर लेना, ठीक है? तो ए जीरो आया, बी हाफ आया और सी माइनस हाफ आया, है ना? ए जीरो, बी हाफ एंड सी माइनस वन बाय टू, ठीक है? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू के इंटू, ठीक है? सबसे पहले है लेंथ, ठीक है? तो लेंथ की पावर जीरो, ठीक है? देन देयर कम्स टेंशन, टेंशन की पावर 1 बाय 2, देन देयर कम्स मास, मास की पावर माइनस 1 बाय 2, माइनस 1 बाय 2 नीचे आ जाएगा, k, l की पावर 0 को लिखने की जरूरत नहीं, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, 1 बाय 2, m की पावर 1 बाय 2, मास पर यूनिट लेंथ है, 1 बाय 2 सेम पावर है, तो इनको एक ही रूफ के अंडर कर लेते हैं, अंडर रूट ही हो गया, अंडर रूट टी अपॉन m, वेरी गुड, जिनका आ गया वेरी गुड, ठीक है? तो जो हमने फोर्थ आज टाइप किया है उसी के साथ हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस हो गया. और अगर कोई आपसे डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन पूछे तो आप क्या बोलोगे कि इट कैन नॉट सॉल्व एनी फॉर्मूला फॉर हैविंग फंडामेंटल क्वांटिटीज मोर देन थ्री. तीन से ज्यादा अगर आ गई तो वो इक्वेशंस को नहीं सॉल्व कर सकता. आप देखो ए बी सी तीन ही इक्वेशंस बन सकती है क्योंकि हमारे पास मास लेंथ टाइम तीन ही होते हैं. गॉट इट? ठीक है, ये उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी. इज इट क्लियर विद एवरीवन? यस मैम. अभी जो आपने कहा एक बार रिपीट कर दो. मैंने ये बोला कि जो डायमेंशन फॉर्मूला है उसकी लिमिटेशन ये है कि वो सिर्फ तीन अननोन क्वांटिटीज पर ही बैठ सकता है, सिर्फ तीन अननोन क्वांटिटीज के लिए ही सॉल्व कर सकता है. अगर तीन से ज्यादा क्वांटिटीज आ गई, जैसे सपोज कहते हैं मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, और वेलोसिटी कुछ और दे दी, फोर्स डिपेंड्स अपॉन दीज फोर, तो आप उसको डायमेंशन फॉर्मूला से नहीं सॉल्व कर सकते. क्यों? क्योंकि इसके पास तीन ही अननोन होते हैं, एम एल टी, है ना? उनकी पावर जाती है ए बी सी. डी कहां से सॉल्व करोगे? देयर इज नो डी, राइट? हाँ जी मैम, ठीक है. ठीक है, तो मतलब तीन ही क्वांटिटीज, तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए वो काम कर सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं काम कर सकता, ठीक है? तो जैसी एक उससे ज्यादा आ जाएगी तो ये उसकी अगर लिमिटेशन कभी आ जाती है, कभी वन मार्क में ऐसी, या फिर कोई बड़ा क्वेश्चन देने के साथ साथ तो वो वन मार्क में छोटा सा पूछ लेते हैं, तो यू आर गोइंग टू गिव दिस आंसर, राइट? तो अब फोर टाइप्स हमारे पास क्लियर होगी. करेक्शन ऑफ द फॉर्मूला, सेम क्वांटिटीज आर एडेड, सेम आर सब्ट्रैक्टेड. थर्ड इज थर्ड कन्वर्जन, यस वेरी गुड, ठीक है. और फोर्थ है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला. डन? Yes, ma'am. ठीक है, तो ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास में ऐसे करेंगे, हम एक बार सारा बिल्कुल स्टार्टिंग से रिवाइज करवाऊंगी मैं, ठीक है? और बीच में शायद एक पैरालेक्स मेथड जो मैंने आपको बोला था कि एंगल्स के बाद मैं आपको करवाऊंगी, तो वो भी मैं मे बी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूं, ठीक है? ओके मैम, ठीक है. थैंक यू मैम.